दोस्तों, अगर आप एक दिन में दो बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो या करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वर्कआउट प्लान जिसमें आप एक हफ्ते में दो बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हो। ये मसल बिल्डिंग वर्कआउट प्लान है। अगर आप अपने मसल्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इस वर्कआउट प्लान को 10 से 12 हफ्तों तक फॉलो कर सकते हैं। पर इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, हर दिन वर्कआउट शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप जरूर करें। उसके लिए आप 15 से 20 जंपिंग जैक कर सकते हैं, 5-7 मिनट ट्रेडमिल पर नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। नंबर 2, वर्कआउट खत्म होने के बाद भी 5 से 10 मिनट फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। वो थोड़ा बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें, इससे भी मसल्स बड़े बनते हैं, मसल्स रिलैक्स होते हैं। नंबर 3, वर्कआउट के 15 मिनट पहले एक कप ब्लैक कॉफी जरूर पिए। अगर आप कोई प्री वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं तो लें, नहीं तो एक कप ब्लैक कॉफी जरूर पिए। नंबर 4, वर्कआउट के बीच बीच में सिप सिप करके पानी जरूर पिए। आप BCAA ले लेते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर जिम ले जा सकते हैं। चीनी से एनर्जी बनी रहेगी और नमक में सोडियम होता है जिससे पंप अच्छा आता है। नंबर 5, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। नंबर 6, हर सेट में वेट जरूर बढ़ाएं और इतना वेट रखें कि फॉर्म सही हो और मसल माइंड कनेक्शन बना रहे। नंबर 7, वर्कआउट खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर एक स्कूप वे प्रोटीन जरूर लें। वे प्रोटीन नहीं लेते तो 5 से 6 एग व्हाइट जरूर लें। इस वर्कआउट में हम 6 दिन वर्कआउट करेंगे और 1 दिन रेस्ट, जिसमें मंडे को हम करेंगे चेस्ट ट्राइसेप्स, ट्यूजडे को बैक बाइसेप्स और एब्स, वेडनेसडे को लेग्स एंड शोल्डर, थर्सडे को फिर वही सेम मंडे वाला चेस्ट ट्राइसेप्स, फ्राइडे को फिर दोबारा बैक बाइसेप्स एंड एब्स, सैटरडे को फिर लेग्स एंड शोल्डर और संडे को होगा रेस्ट यानी कि रिकवरी डे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। तो सबसे पहले मंडे और थर्सडे को करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट। तो सबसे पहले चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, फ्लैट बेंच प्रेस। इसके 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके भी 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन बेंच प्रेस। इसके भी वही सेम 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, पैक डेक फ्लाई। इसके भी 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। एक्सरसाइज नंबर 5, पैरेलल बार डिप्स। ट्यूजडे और फ्राइडे को करेंगे बैक बाइसेप्स और एब्स वर्कआउट। तो पहले करेंगे बैक वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, डेडलिफ्ट। इसके भी 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप निकालें और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। एक्सरसाइज नंबर 2, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। इसके भी 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10, तीसरे सेट में 8 रेपिटेशन निकालें और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें।
एक्सरसाइज नंबर 3 सीटेड केबल रो। इसके भी वही सेम 3 सेट निकालने हैं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे में 8 रेपिटेशन निकालने हैं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। एक्सरसाइज नंबर 4 क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इसके भी वही सेम 3 सेट निकालें, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप निकालें, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। एक्सरसाइज नंबर 5 वन आर्म डंबल रो। इसके भी 3 सेट निकालें, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप निकालें, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। से 20 रेपिटेशन तक लगाएं। फ्रेज इसके भी 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। तो फ्रेंड्स यहीं पे लेग्स वर्कआउट भी फिनिश होता है, अब करेंगे शोल्डर वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1 बारबेल ओवरहेड प्रेस। इसके भी 3 सेट लगाएं,
पर दोस्तों एक बात याद रहे कि आप जितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, पर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी कभी नहीं बन सकती। इसलिए अपनी डाइट अच्छी करें, रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी प्रॉपर नींद लें, इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करें तो आपको 2 से 3 महीने में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो फुल वीक वर्कआउट प्लान पे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय दोस्तों।